हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं BSTC थर्ड काउंसलिंग के बारे में। तो दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था थर्ड काउंसलिंग के बारे में, सर थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो मैं उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दोस्तों सेकेंड काउंसलिंग हुई है, ये भी बहुत ही मुश्किल से हो पाई है। जैसा कि आप देख पाए हो, ये भी आनन फानन के अंदर इनको सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट जारी करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया था जिसका वर्किंग डेज बहुत ही अब कम रह गया है। तो दोस्तों, सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट तो अलफिलहाल भी जारी हो चुकी है और बहुत से अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपना सुनिश्चित स्थान देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिला है मार्क्स संबंधित। कई अभ्यर्थियों के ज़्यादा मार्क्स पर भी हो गया था, लेकिन कई अभ्यर्थियों का कम मार्क्स पर भी, कई अभ्यर्थियों कम मार्क्स पर भी नहीं हुआ था, लेकिन कहीं का ज़्यादा मार्क्स ऐसे उठपटांग देखने को मिला था। लेकिन उनका यही रीज़न रहा है कि उनका जो कॉलेज चूज करने का माध्यम है वही उनका माध्यम रहा है, जिनका कम मार्क्स वालों का हो गया और ज़्यादा मार्क्स वालों का नहीं हुआ। यही इसका रीज़न रहा, क्योंकि कई अभ्यर्थियों ने कम कॉलेज चूज किए थे, कई अभ्यर्थियों ने अधिक कॉलेज चूज किए थे, कई ने ऑल राजस्थान चूज किए थे। तो दोस्तों, इस बार ये एक बात आपत्तिजनक रह जाती है कि इस बार काउंसलिंग चूज करने का अपने को ऑप्शन नहीं मिला था, जिसके कारण बहुत से अभ्यर्थी इससे वंचित रह गए थे और कई अभ्यर्थियों को कैटेगरी परिवर्तन करने का भी ऑप्शन हाल फिलहाल सेकंड काउंसलिंग के अंतर्गत नहीं मिला था। तो चलिए दोस्तों, एक खैर बात जो भी है ये यहीं तक सीमित रह जाती है। अब यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग का भी ऑप्शन नहीं रहने वाला है। बात रही है फीस रिफंड की, तो जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जो कोई भी अपडेट आती है हमारे राजस्थान संबंधित, पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। बाय।